सब्जियों से भरपूर बहुत ही कम तेल में झटपट बनने वाला आज मैं आपको एक ऐसा नाश्ता बनाना बता रही हूँ जिसे आप झटपट ब्रेकफास्ट में, शाम की भूख में या डिनर में बना सकते हैं। ये इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा और रोज बनाना पसंद करेंगे, तो एक बार जरूर ट्राई करें। नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में डालिए 1 कप सूजी। आप आधा गेहूं का आटा और आधा सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम में देखें तो 150 ग्राम। अब इसमें डालिए आधा कप दही। ग्राम में देखें तो 100 ग्राम दही। स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। तो देखिए अभी आधा कप मैंने पानी डाला है, थोड़ा पानी हम बाद में डालेंगे। अब 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। अब इस नाश्ते में हम ढेर सारी सब्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं। 50 ग्राम कटा हुआ पत्ता गोभी, आधा शिमला मिर्च इसे इस तरीके से लंबे लंबे मैंने काट लिया है, 1 टमाटर इसे चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया पत्ती, 1 बड़ा प्याज चॉप कर ले और आधा गाजर। अब इस नाश्ते को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच पैन में तेल डाल रही हूँ। आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद आधा छोटी चम्मच काली सरसों, आधा छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिए। तो इस तरीके से अगर तड़का लगाइएगा ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। 5 से 6 करी पत्ता डाल दीजिए तोड़ के, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ी हरी मिर्च, इसे इस तरीके से काट लिया है, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक मिला ले। जैसे ही मिलाएंगे साथ में डाल दे प्याज, तो मिर्च का तीखापन भी चला जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। हमें सब्जी को पकाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए सौते करना है ताकि कच्चापन चला जाए और कुछ अलग स्वाद आए। तुरंत डाल दीजिए शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर मिला ले। नमक नहीं डालना है, ऐसे ही हाई फ्लेम पे हम सौते करेंगे। नमक डालिएगा तो सब्जी पानी छोड़ देगी। अब टमाटर डाल दें तो देखिए सब्जी नरम पड़ने लगा है और कलर भी उभर के आ रहा है और सॉफ्ट भी हो गए हैं। फ्लेम बंद कर दें और फ्लेम बंद करने के बाद धनिया पत्ता डाल दें, मिला लें। इधर सूजी ने भी आराम कर लिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी सोख किया है। अब हम इसमें गर्मा गर्म सब्जी डाल देते हैं। तो अगर कटी हुई सब्जी हो तो झटपट ये नाश्ता बन जाएगा। ते हैं 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दें और इसमें हम कोई भी मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे ही बहुत टेस्टी बनेगा। मिक्स कर ले। अब फिर से इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और मिलाएंगे। तो हमें चिल्ले से थोड़ा सा गाढ़ा बैटर को रखना है। तो हमारा नाश्ता का मिश्रण तैयार है। इस नाश्ते में हमने 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है। देखिए 1 कप से 4 चम्मच पानी बच गया। अब हम फटाफट नाश्ता बनाते हैं। अब मैंने फिर से सेम पैन चढ़ाया है, इसमें हम डाल देते हैं करीब 1/2 छोटी चम्मच ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। इस तरीके से फैला लें। पैन हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर दे। अब इसमें हम बड़े वाले चम्मच से बैटर डालते हैं। इस तरीके से फैलाएंगे। मैंने 3 बड़े चम्मच डाला है, बहुत मोटा नहीं रखिएगा, चिल्ले से थोड़ा सा मोटा रखिएगा ताकि खाने में भी अच्छा लगे और जल्दी जल्दी बन जाए। तो देखिए हमने फैला लिया है। अब चम्मच के पीछे से इस तरीके से राउंड शेप दे दे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं। अब 3 मिनट के बाद ही हम उल्टेंगे। लीड से ढक दीजिए ताकि भाप से भी कुक हो। 3 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से पका है। हल्का सा ऑयल लगा दीजिए और धीरे से हम उलट लेंगे। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आया है, काफी क्रिस्पी हुआ है। अगर आप इसे कम पकाएगा तो खाने में क्रिस्पी नहीं लगेगा और टूटे नहीं दोस्तों, इसलिए मैं इस तरीके का स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम पीछे से भी 2 मिनट के लिए बस लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेते हैं। पीछे से भी पक चुका है तो टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लगने वाला है। मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। इतना शानदार दिख रहा है, ऐसे हम सारे बना लेंगे। लीजिए दोस्तों तैयार है हमारा गर्मा गर्म सूजी और ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए हेल्दी टेस्टी नाश्ता। तो मैं आपको एक हाथ में उठा के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है।
एक बार खाएंगे ना तो आप रोज बनाना पसंद करेंगे। तो ये ऐसा नाश्ता है कि पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। मैंने इसे टमाटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, तो इसके बिना भी आप खा सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई करें और अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना नरम मुलायम है। देखिए, तो ये ऐसा नाश्ता है कि 2 दिन तक खराब नहीं होगा। एक बार जरूर ट्राई करें।